अस्सलामुअलैकुम, बहरिया टाउन कराची से मैं हूँ एहसन राणा और इस टाइम आज हम मौजूद हैं प्रीसेंट 10A के अंदर जहाँ पे 200 गज के विलास हैं जिसको हम 200 यार्ड के विलास ही बोलते हैं। ये विलास बेसिकली पहले जो बने थे वो प्रीसेंट 2 में कायद विलास के नाम से जाने जाते थे, जो जिनके रेट्स आपके सामने हैं कि इस टाइम पे अगर आपको अवेल करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी कायद विलास की तो वो कितने कॉस्टली हो चुके हैं। इस टाइम के ऊपर आपको कम से कम भी ये जो कायद विला है 240 से ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें 10A के विलास की, 11A के विलास की, तो इस टाइम पर 10A में कंप्लीट फैमिलीज रह रही हैं। ऑलमोस्ट सब स्ट्रीट्स को, रोड्स को पोजेशन मिला हुआ है। सिर्फ एक से दो स्ट्रीट्स ऐसी हैं जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसकी जो फैमिलीज़ का स्टेटस है इस टाइम पर वो कंप्लीट हो चुका है। ये विलास 3 बेडरूम्स पे इन्होंने बनाए थे बहरिया ने, और इसका जो साइज था वो 200 square yards था। करंट अगर आप इसकी मार्केट की बात करते हैं तो आज से 4 से 5 माह पहले आपको ये विला जो है 165 के आसपास मिल जाता था, लेकिन अगर आज आप ये विला लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम भी ये 195 से लेके 220-230 तक मिलेगा, और हो सकता है इससे भी ऊपर का विला मिले जो कि कॉर्नर का होगा या पार्क फेसिंग होगा। जिस तरह के ये विलाज आप देख रहे हैं ये पार्क फेसिंग विलाज है, इनके सामने पार्क है। इस तरह के विलाज जो है आपको कम से कम ये 240 के आसपास से मिलेगा, बट जो जनरल कैटेगरी के विलाज हैं जो स्ट्रीट के हैं या किसी रोड पे आ रहे हैं वो आपको 195 से लेके 25 या 210 तक मिलेगा इस टाइम पे 10A के अंदर। इसके साथ ही जो 11A के विलाज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी प्राइस जो है उसकी कम है एज़ कम्पेयर टू 10A के विलाज, लेकिन बट फैमिलीज वहाँ पे भी रह रही हैं और वहाँ का विला आपको 180 से लेके 195 तक मिल जाएगा एक जनरल कैटेगरी का, और फिर कॉर्नर पार्क फेसिंग, फिर ऑब्वियसली उसके रेट्स इंक्रीज हैं। इसके अलावा जो उधर 11A के अंदर ही 152 स्क्वायर यार्ड के विलास भी हैं, जिस तरह के इकबाल विलास हैं प्रीसेंट 2 के अंदर, वो विलास अगर आपको अवेल करना चाहते हैं राइट इन बहरिया टाउन कराची तो आपको 165 से लेके 175 की ब्रैकेट के अंदर वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही नीचे 11B के विलास हैं 152 स्क्वायर यार्ड के, 152 की अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आपको 150 से लेके 160 की रेंज के अंदर या मैक्स 165 की रेंज के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर जो चाहते हैं कम पैसों के अंदर हम सेम चीज़ अवेल करना चाहें तो वो ले सकते हैं इस टाइम के ऊपर। और ये जो विलास हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीज़ इसलिए आ रहा है, एक तो रेडी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं, और अगर आप आबादी की बात करें तो जो बहरिया का स्टार्ट है वहाँ पे आबादी बहरिया ने सबसे पहले आबाद की, उसके बाद ये 10A समझ लें एक मिड बनता है बहरिया टाउन कराची के अंदर, और मोस्टली आबादी यहाँ पे रहती है। इसके पास ही गैलरीज, मॉस्क, हर तरह की फैसिलिटी दी हुई है, और फ्यूचर में बहरिया हाइट भी इसके साथ है जो बना हुआ है। फ्यूचर में वहाँ पे कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो शुरुआत है वो हो चुकी है, डिगिंग्स वगैरह हो रही हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इन विलास की जो प्राइसेस हैं उसमें हाइक आनी है। तो एक बड़ा अच्छा टाइम है स्टिल, अगर कोई अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है, विला बाय करना चाहता है और रेंटल इनकम कमाना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 10A में है इसमें विला का जो इस टाइम रेंट चल रहा है वो 55,000 चल रहा है, कम से कम भी 55,000 रेंट इन विलास का है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना चाहिए, रेजिडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर लिहाज से ये इस टाइम अच्छा ऑप्शन है, आप अवेल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।